इन्फॉर्म तक नहीं किया। आई वॉन्ट इंटरोगेट हिम। कोई जरूरत नहीं। कबीर! अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग मज़े में हैं, ठीक ठाक हैं, खुश हैं। तो यार, अभी पिछले दिनों मैंने इंडियन पुलिस फोर्स का टीज़र देखा था, ये घर पे नहीं थी, और उसी का हमने अनाउंसमेंट देखी थी, तब ये थी। तो रोहित शेट्टी का, वो कहते हैं जी कॉप यूनिवर्स है, कॉप यूनिवर्स इस तरह से स्टार्ट ये सिंघम से हुआ था, फिर सिम्बा उनकी आई रणवीर सिंह के साथ, फिर उनकी आई सूर्यवंशी। लेकिन मैं आपको एंड पे बताऊंगा इस वीडियो के कि सारी कॉप यूनिवर्स में से सबसे मेरी फेवरेट कौन सी मुझे लगता है। वो भी आई थी ना जिसमें अक्षय कुमार और वो इकट्ठे थे सारे, सूर्यवंशी। अच्छा ठीक है। तो अभी जो ये ओटीटी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है सीजन वन है, यानी कि इसके और सीजन भी उन्होंने प्लान करके रखे हुए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा इसमें हमें एज अ कॉप दिखाई देंगे, उनके साथ साथ शिल्पा शेट्टी भी हैं, विवेक ओबेरॉय भी हैं। हाँ, तो बाकी ये है कि अभी रोहित शेट्टी की लास्ट फिल्म आई थी कॉमेडी थी, सर्कस थी, उससे पहले जितनी भी उनकी ऊपर नीचे फिल्म्स आई हैं सारी कॉप से रिलेटेड ही है। शिल्पा शेट्टी की आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम आ रही है, इससे पहले भी एक आ चुका है, हंगामा का पार्ट टू आई थी अभी, और उसके बाद एक अभी एक और भी आई थी। कॉप का इन्होंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना होता है, कॉप इन्होंने प्ले किया है शायद 10 मूवी में, तो शिल्पा शेट्टी ने। बाकी ये सिद्धार्थ मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम एज अ कॉप आ रहे हैं, और देख लेते हैं, इसका ट्रेलर हमारे पास आ चुका है और देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। आज जो हुआ ये हमला किसी मार्केट पे नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे साथ खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। कितने साल से हो टीम में? यही कुछ 3 साल। मैम, फिर मैंने सही सुना है तुम्हारे बारे में। आई होप अच्छा ही सुना होगा मैम। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट नहीं। Why was it not on our radar? क्या हमारे पास कोई इंटेल नहीं था? मैंने और मेरी टीम ने इस केस पे रात दिन किया है। Do what it takes. I want those monsters. मैंने उसे देखा है। पूरी दुनिया दिल्ली पुलिस पर उंगली उठा रही है। अगर हम लोगों ने देर कर दी सर, तो पता नहीं वो लोग कहाँ निकल जाएंगे। किसी को पकड़ रहे हैं ना? और एक्शन है। इतना बड़ा ऑपरेशन एक्सिक्यूट किया और हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। आई वांट टू इंटरोगेट हिम। कोई जरूरत नहीं। कबीर! बच्चे को छोड़ साले, जाने दे उसको। आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हैदर तो जरार नाम है उसका। कहाँ है ये? वो हमें बताना चाहता है कि दिल्ली के बाद वो कमजोर नहीं हुआ है, अब वो रुकेगा नहीं। है कौन? तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। विलन ये तो शरद केलकर है। वो हमारा काम है और हमारी फैमिली हमारा बेसिक। जब मैं खून किसी का भी बहे आंसू शत तिवारी भी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये लड़ाई उन सारे बेगुनाह हिंदुस्तानियों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इट इज पर्सनल एंड इट शुड बी वेरी पर्सनल। इस जंग की सिर्फ शुरुआत हुई, जंग जीतना भी बाकी है। गेट दैट मॉन्स्टर। दिल्ली का लौंडा हूं सर, उठा के ले आऊंगा। जय हिंद। जय हिंद। फुल ऑन एक्शन है ऑफिसर्स। इस चेहरे को अपने जहन में बसा लो। लेट्स फाइंड दिस गोस्ट हू बॉम्ब्स। शक्ल नहीं रिवील की। कौन है? मुझे पता नहीं, विवेक पे थोड़ा शक लग रहा है। नहीं नहीं, विवेक नहीं, विवेक खुद ही नहीं है, कोई और है। बहरहाल यार, ये है कि कॉप यूनिवर्स है तो एक्शन है, और रोहित शेट्टी का थोड़ा सा आपको पता है वो गाड़ियां शाड़ियां और एक्शन एक लार्जर स्केल पर होता है। लेकिन ये है कि आजकल लोग एक्शन देखना पसंद कर रहे हैं।
अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहता हूँ यार एक्शन के बीच में थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा रोमांस मिक्स, इस तरह की चीजें भी आए। अच्छा, सिद्धार्थ जो है ना काफी एक निडर पुलिस ऑफिसर दिखाए हुए हैं, फिर एक जगह पे वो चल रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, फिर एक जगह पे शिल्पा शेट्टी जब कहती है कि तुम्हारा नाम क्या, कहते हैं आई होप आपने अच्छा सुना होगा, कहती है कि सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, अच्छा नहीं सुना, कुछ इस तरह का। तो अब एक बात है कि हर बंदे पे ये कॉप वाला जो है ना वो इतना सूट नहीं करता, तो मैं आपको यही बता रहा था कि मुझे जो अभी तक पूरा रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स है जिसमें रणवीर सिंह है, अक्षय कुमार है, फिर वो हैं या अब सिद्धार्थ आ गए हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी अभी तक की सिंघम ही लगती है। मेरी पर्सनल चॉइस है वो कि सिंघम और स्पेशली सिंघम वन। मुझे तो लगता है कि अगर किसी कॉप का रोल देना तो वो अजय देवगन को। अजय देवगन बहुत अच्छा निभाते हैं कॉप का रोल, अक्षय भी अच्छा करते हैं, बट मुझे अजय देवगन पर्सनालिटी से ही कॉप। हाँ, अजय देवगन ने जो पहली वाली में खासतौर पे सिंघम में जो एक्शन किया था, जो स्टोरी थी उसकी और जो सारा, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ पे अच्छा नहीं लगा, लग रहा है अच्छा लग रहा है, लेकिन एक होता है ना जो शुरू से जिसपे सूट कर रहा। तो बाकी ये कि OTT है, ये सीजन है, पूरी एपिसोड्स मिलेंगी सबको और उसके बाद दूसरा सीजन भी शायद आएगा। जो सीरियल किलर भाग रहा होता है। हाँ, शरद केलकर भी इसमें है, अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, श्वेता तिवारी भी नजर आई है हमें, थोड़ी सी झलक उनकी आई है, तो एक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं इसमें और डायरेक्टर रोहित शेट्टी से सब लोग अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों का क्या ख्याल है इस ट्रेलर को देखने के बाद, आप हमें कॉमेंट में बताइएगा, और क्या आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है वो एक्शन मूवीज सीरीज़ ही देखना पसंद करती है या आप लोग कोई और जॉनर भी चाहते हैं कि अब वो बने। सो हमने देखा, हमें भी अच्छा लगा है, लेकिन मैंने अपनी पर्सनल चॉइस आपके सामने रखी कि मुझे सिंघम जो अच्छी लगी थी ना वो बहुत। तो वेरी ऑनेस्ट, मुझे फुल ऑन एक्शन फिल्म्स नहीं अच्छी लगती। हाँ, मुझे भी, मेरा दिल करता है कोई कॉमेडी हो जाए थोड़ी सी बीच में। हाँ, ओवरऑल मेरी भी जो है कि सस्पेंस थ्रिलर मैं पसंद करता हूँ, मैं कॉमेडी पसंद करता हूँ, हॉरर जॉनर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, फुल थ्रू आउट जिसमें चलता है ना, आपकी और डिफरेंट होगी राय, हमारी और होगी, तो अपनी अपनी राय होती है सबकी उसमें कोई। अब सिंघम में ये था ना कि उसमें कहीं कहीं पे कहीं कॉमेडी भी आती थी। हाँ, कॉमेडी आती थी, थोड़ा सा अजय देवगन का रोमांस चल रहा है तो वो बड़ा मजे का एक वो था। बाकी ये दैट्स इट, अगर आपको अच्छा लगा रिएक्शन तो सो व्हाट टू डू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब फॉर माय ब्लॉग्स, एंड जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें फॉर लेटेस्ट फोटोज स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए लाएंगे नए नए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन डेली, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।